तो फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डैम्प वाइब्रेशन, और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आया था 2006 में, वर्थ 4 मार्क्स, मतलब दो दो नंबर के दो क्वेश्चंस थे एंड एज यूजुअल दे वर रियली वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर है अ वाइब्रेटरी सिस्टम कंटेन्स अ मास ऑफ 12.5 किलोग्राम एंड अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 1000 न्यूटन पर मीटर एंड डैशपॉट विद डैम्पिंग कोएफिशिएंट 15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम इज, हमें क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू बतानी की कितनी है, एंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज। ठीक है, तो इससे ऐसा क्वेश्चन हमें कभी किसी भी एग्जाम में मिलने नहीं वाला। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें मास दे रखा है 12.5 किलोग्राम। ठीक है, हमें स्टिफनेस भी दे रखी है 1000 न्यूटन पर मीटर, और जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी है दैट इज 15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी क्रिटिकल, क्रिटिकल डैम्पिंग निकालनी है, और हमें डेल्टा की, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्रिटिकल डैम्पिंग का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2√mS। ठीक है, ये हम जानते हैं, तो इसका आइए वैल्यू पुट करते हैं, 2√ मास कितना है 12.5, एस की वैल्यू है 1000 इज इक्वल टू, आइए सॉल्व करते हैं, 2 × √ 12.5 × 1000, सो इट गिव्स अस, ये दे रहा हमें 223.606 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ये चीज। सो द आंसर इज 223। ठीक है, आइए देखते हैं, दिस इज द ऑप्शन, ये वाला 223, दिस वन, ये चीज समझ आ रहे क्या आ गए, 223.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। अब आइए, अब हमें निकालने हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2π/√1 − 2 स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हमें झाई की वैल्यू चाहिए, तो आइए डैम्पिंग रेशियो निकालते हैं हम, तो डैम्पिंग रेशियो ये बेसिकली क्या होता है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 15 दे रखी है, और क्रिटिकल डैम्पिंग है 223.606, तो आइए ये निकालते हैं। सो 15 हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, हमने जो क्रिटिकल वैल्यू निकाली है वो 223 निकाली है, सो इट कम्स आउट टू बी, ये निकल के आया है 0.06708। ठीक है, ये आ गई हमारी क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू। ठीक है, अब आइए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, सो इज इक्वल टू 2π × 0.06708 डिवाइडेड बाय √1 − 0.06708 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते देखते क्या आ रहा है, 2 × π × जो हमने भी आंसर निकाला था डिवाइडेड बाय √1 − आंसर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, सो इट कम्स आउट टू बी 0.4224, ये चीज समझ आए। तो द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ना मैंने खुद ही लिखा है एक्चुअली क्वेश्चन पेपर के अंदर, मतलब चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं था। ठीक है, सो द आंसर, द करेक्ट आंसर इज 0.4224, समझ आ रहा है। सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच ए सिंपल प्रॉब्लम।